प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमेश सिंह, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं एमए फ्रीवेस का एक टॉपिक है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि पूर्व के हमने जब ये प्लेटो से संबंधित जो बात की उसके अंतर्गत ये पाया था कि एथेंस में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, प्लेटो वहाँ जब पैदा हुआ तो उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े, सुकरात का क्या प्रभाव था, न्याय सिद्धांत क्या दिया, इनकी चर्चा की थी। इस बार आज जो चर्चा का विषय है वो भी उसी दिशा की ओर जा रहा है। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वहाँ की जो पहले प्रचलित जो व्यवस्थाएं थी और जो शिक्षा चल रही थी एथेंस में वो सोफिस्टों के द्वारा जारी थी और सोफिस्ट लोग फीस लेकर के एक जो आज की हम कह सकते हैं ना, ये विभिन्न प्रकार की कोचिंगें जो बनी हुई है उसी तरह की वो कोचिंग टाइप की व्यवस्थाएं थी जिसमें वो फीस लेकर के उनको शिक्षा दी जाती थी और वो हर एक के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। उस दरमियान में कोई विषय योजना नहीं थी, उसका अभाव था और वहाँ पर जो जैसी चाहे वैसी शिक्षा वो ले सकता था या वैसी दी जाती थी। उसके बाद जब हम बात करें कि प्लेटो का जो गुरु था सुकरात, तो सुकरात ने भी इस तरह की कोई शिक्षा योजना लागू नहीं की, वो भी एक वहाँ की तात्कालिक व्यवस्था को लेकर के क्षुब्ध था और वो संवाद शैली में लोगों से उस व्यवस्था को सुधारने के बारे में गली मोहल्ले में जा कर के चर्चा करता था और जो भी वहाँ की जो तात्कालिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर लोगों में जागृति लाने का प्रयास करता था। लेकिन जब प्लेटो की जब बात आती है तो प्लेटो ने शासकों की शिक्षा पर अधिक बल दिया है। शासक कौन से? जो दार्शनिक शासक। दार्शनिक शासक का अर्थ यहाँ केवल तर्क करने से नहीं है, ज्ञानी पुरुष से है। वो एक ज्ञानी व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्तियों की तलाश में था जो आगे जा कर के उस राज्य का एक सद्गुण के आधार पर आम जनता का भला कर सके। इसलिए उसने शासकों की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बल दिया। रूसो ने रिपब्लिक की शिक्षा को सर्वोच्च कृति माना और उसकी प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक उसको रूसो ने सबसे उत्तम कृति माना है। हालांकि प्लेटो की जो शिक्षा है वो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर अधिक बल देती है, एक वर्ग को वो छोड़ देती है, लेकिन छोड़ने का अर्थ प्लेटो का वहाँ ये नहीं है कि वो शिक्षित नहीं हो, वो फिर जो उत्पादक वर्ग है या श्रमिक वर्ग है उसके लिए वो एक व्यावसायिक विशेषीकरण की शिक्षा पर बल देता है कि एक व्यावसायिक विशेषीकरण जब होगा तो निश्चित रूप से उस राज्य का जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ेगा, इसलिए उनको वैसी शिक्षा दी जाए। बाकी जो दो वर्ग है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इनको अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि क्या है कि ये उसके उस राज्य के ऊपर नियंत्रण कर सके और आम जन की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सके। प्लेटो की ये मांग थी कि शिक्षा जो है
जो पहले फीस लेकर के दी जाती थी, और विभिन्न परिवार जो लोग परिवार थे सोफिस्ट वगैरह, ये एक तरह की कोचिंग टाइप की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा की बजाय ये जो प्लेटो कहता है कि ये शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाए, पूरा वहन राज्य ही करे, देखरेख राज्य करे, अच्छे नागरिक बनाने के लिए शिक्षा दी जाए, चरित्रवान व्यक्ति बने, जो शिक्षा दी जा जाए पहले जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा को बंद किया जाए, और शिक्षा द्वारा दार्शनिक या ज्ञानी शासक को तैयार किया जाए। ये इनके मूल उद्देश्य थे, और मूल उद्देश्य में भी उसकी जब हम जो भी बात करते हैं वो एक ही परिकल्पना है उसकी, आदर्श राज्य की। वो आदर्श राज्य की बात करता है, और आदर्श राज्य का अर्थ है कि आम जन का सर्वांगीण विकास और आम जन की भावनाओं को, उनके ऊपर जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो ज्ञानी होना चाहिए। वो आदर्श एक दार्शनिक या आदर्श शासक कहलाएगा। प्लेटो ने शिक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया है वो मोटे मोटे तौर से दो भागों में बांटा, और फिर उनमें से कई भाग करते गए। जो प्रारंभिक शिक्षा का प्लेटो जिक्र करता है, पहली जो है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। जब प्रारंभिक शिक्षा का प्लेटो बात करता है तो उसको तीन भागों में बांटता है वो, और तीन भागों में उम्र के अनुसार बांटता है। एक तो 6 वर्ष तक, 6 वर्ष के बच्चे को क्या चीज़ें सिखाई जाए, क्या देखे, ये संबंधित परिवार के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहता है, और उसी आधार पर जब राज्य शिक्षा देगा तो उसी परिवार के हिसाब से, पारिवारिक उसकी जो संस्कार होंगे उसी हिसाब से वो उसको नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल देता है। 6 से 18 वर्ष की उम्र में वो शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा पर बल देता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, खाने पीने की होती है बच्चों की। तो ऐसी स्थिति में जब 15, 16, 17 साल का बच्चा हो जाता है तो उसका शरीर बनना ज़रूरी होता है। शरीर से जब वो बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से उसका मस्तिष्क भी मजबूत होगा, और मस्तिष्क जब मजबूत होगा तो उसकी बौद्धिकता में निखार आएगा। तीसरा वो करता है 18 से 20 तक। अभी 18 से 20 वाली जो शिक्षा है अब ये उसी बच्चे के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, जिसमें वो कठोर सैनिक शिक्षा देता है। अब ये सैनिक शिक्षा, कठोर सैनिक शिक्षा का अर्थ यहाँ ये है कि वहाँ पूर्व में बताया कि एथेंस, स्पार्टा, यूनान, ये आपस में राज्य लड़ते रहते थे, तो इसका फोकस जो था एक तो अपने राज्य को मजबूत करना, और दूसरा जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दार्शनिक शासक की उपयोगिता। तो ये कठोर सैनिक शिक्षा का मतलब दिया गया, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में शारीरिक व्यायाम, साहित्यिक गतिविधियाँ और संगीतात्मक। अब यहाँ संगीत का अर्थ केवल गाना बजाना या भजन सुनने से मतलब नहीं है, यहाँ संगीत का मतलब कला से है जो मनुष्य को अंदर तक झिकझोर देती है, और उसके जो विकृतियाँ होती है उन विकृतियों को संगीत के माध्यम से भी समाप्त किया जाता है, ऐसा प्लेटो कहता है। ये तो हो गया इसका प्रारंभिक एक पाठ्यक्रम जो 18-20 साल तक है, 18 से 20 साल तक। और जो उच्च शिक्षा है वो उच्च शिक्षा बहुत लंबी चलने वाली है। वैसे तो देखा जाए तो उच्च शिक्षा प्लेटो ने 50 वर्ष तक मानी है, भाई 20
20 साल तक तो हो गई आपकी प्रारंभिक शिक्षा, और 20 से लेकर के 50 साल तक जो शिक्षा मानी है वो उच्च शिक्षा की श्रेणी में उसने लिया है, जिसमें वो अच्छे सैनिक और अच्छे पदाधिकारी और अच्छा दार्शनिक शासक ढूंढने का प्रयास करता है। 20 से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा है वह शिक्षा एक सैनिक गुण वाली शिक्षा है, 20 से 30 वर्ष वाली, और सैनिक में साहस और धैर्य जो है ये उसने महत्वपूर्ण माना, जिसमें वो कहता है कि गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र ये इस 20 से 30 वर्ष में इनके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ये अधिक पढ़ानी चाहिए राज्य को। तो ये जब इतनी शिक्षा के जो विषय होंगे तो इन विषयों का जो अध्ययन करके सैनिक वर्ग तैयार होगा और उनमें से उच्च पदों पर आसीन होंगे, तब वो कहता है कि इसके बाद एक परीक्षा होगी, आसीन होने के लिए एक परीक्षा होगी और वो एक कठोर और कठिन परीक्षा होगी। 30 वर्ष के बाद वो सैनिक शिक्षा ले ली है उसने विशेष गुणों वाली, उसके बाद एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो सफल होगा वो फिर 5 साल तक यानी कि 30 से 35 वर्ष तक वो जो सफल होंगे, जो विद्यार्थी उसमें सफल होंगे वो द्वंद्ववाद की शिक्षा लेंगे। अब द्वंद्ववाद क्या है, वैसे चैप्टर ही अलग ही है, लेकिन यहाँ द्वंद्ववाद से उसका आशय ये है कि अपने शरीर से अपने मन से अपनी बात को पूछना और जिसमें विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन काम होता है कि मूल क्या है, इंसान है तो मूल क्या है, सत्य क्या है, इसलिए ये विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसको हम सत कह सकते हैं, सद कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं ये ज्ञान की एक मीमांसा जो है उसका ये इसमें द्वंद्ववाद में वो शामिल करता है। अब जब 35 से 50 वर्ष हो जाएंगे, अब तक तो प्लेटो कहता है कि अभी तक तो 35 साल तक तो इसको यही दिया है कि सारी शिक्षा दे दी, शिक्षा देने के बाद वो उसको अपने ज्ञान को परखने के लिए, अपने आप से पूछने के लिए, अपने मन से पूछने के लिए द्वंद्व शुरू करा दिया। अब 35 से 50 वर्षों तक वो कहता है ये तो जो है शिक्षा एक तरह की दार्शनिक शिक्षा है, और दार्शनिक शिक्षा के साथ साथ ये अभी जो हमने सैद्धांतिक शिक्षा दी है, लेकिन 35 से 50 वर्षों तक वो कहता है अब व्यक्ति को जो उसमें आगे बढ़ गया है उस व्यक्ति को फिर अकेला छोड़ा जाए और उसको दुनिया के थपेड़े खाने दिए जाए, अर्थात वो दुनिया में वो देखे कि दुनिया किस तरह से चल रही है, ये संसार कैसा है, और ऐसी अवस्था में उसको संसार की व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और व्यवहारिक शिक्षा में ये है कि उनको जो अनुभव हो, केवल आप एक शिक्षा लेने से ही कोई लाभ नहीं होता है, जब तक हम व्यवहारिक रूप में उसका अनुसरण नहीं करते हैं, उसकी पालना नहीं करते हैं, तो प्लेटो ये कहता है 50 साल तक, 35 से 50 साल तक उसको सांसारिक व्यवहारिक अनुभव जनित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो ये समझ सके कि ये संसार किस तरह का है।
जो ये शिक्षा का इस उद्देश्य जो है प्लेटो का, वो ये है कि वो एक दार्शनिक शासक ढूंढना चाह रहा है, और उसका जो मूल लक्ष्य जो है, पहले भी बताया मैंने, आदर्श राज्य, और आदर्श राज्य के लिए एक दार्शनिक शासक की वो खोज में है। तो जब 50 साल तक, यूँ हालांकि कहता है 50 साल के बाद भी स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन 50 के बाद वो एक जब उसकी परीक्षा होती है, तो वो यदि दार्शनिक शासक के रूप में स्थापित होता है, तब जाकर के उसका शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है। बहुत सारे गुण हैं इसमें, उचित आयु पर उचित शिक्षा, मानव जीवन के समस्त विषय उसमें शामिल किए हैं, वर्ग के आधार पर शिक्षा दी गई है, क्योंकि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, हालांकि उत्पादक वर्ग को एक कार्य विशेषीकरण के आधार पर उसने अलग से रखा है, लेकिन उसका वो व्यवसाय है उसके हिसाब से। बाकी संगीत की शिक्षा देता है, संगीत से क्या है, विकृति नष्ट होती है, स्त्री पुरुषों को वो समान शिक्षा की बात करता है। शरीर और मस्तिष्क का विकास प्लेटो की पहली प्राथमिकता है। दार्शनिक शिक्षा उसका मूल उद्देश्य है, और आदर्श राज्य की परिकल्पना भी उसका एक अंतिम उद्देश्य है। तो ये है प्लेटो की शिक्षा।